हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी नेचुरल बी प्योर। फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी नेचुरल बी प्योर में। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ चल रही है हमारी प्री ब्राइडल केयर चैलेंज, जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। 5 सीरीज़ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लेकर के आऊँगी, जिसमें मैंने 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 3 मैंने आपको दिया, जो आपको बहुत पसंद आई। आप लोगों ने बहुत सराहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं लेकर के आई हूँ इसी क्रम में सीरीज़ 4, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर ट्रीटमेंट। जी हाँ, किस तरह आप अपने घर के ही चीज़ों से अपने हेयर को बिल्कुल स्पा जैसा लुक दे सकते हैं। और रेगुलर अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे, रेगुलर इस ट्रीटमेंट को, तो अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, आप नॉर्मल हाउस वाइफ हो, टीन एजर हो, कुछ भी अगर इसको आप यूज़ करते हो, तो आपके बाल का टेक्स्चर बिल्कुल अच्छा होने वाला है। बट फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ढेर सारा लाइक दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को, जैसे प्लांट्स को हम कहते हैं ना कि पानी की ज़रूरत होती है, फ्रेंड्स वैसे ही हम क्या करते हैं, आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम सिर्फ शैम्पू करते हैं और कंडीशनर कर लेते हैं, सोचते हैं हम अपने बालों की पूरी केयर कर ले रहे हैं, महंगे से महंगे शैम्पू लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिस तरह प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे जो बाल हैं उनकी जड़ों को जो है तेल की ज़रूरत होती है, ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। जी हाँ, तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ऑयलिंग, प्लस आपको इसमें मैं बताने वाली हूँ घर का बना हुआ शैम्पू, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिससे आपके बाल बिल्कुल ही अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते। तो ऑयलिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको दिस वन। सबसे पहले ये एलोवेरा जेल आप लेंगे एक बाउल में। अगर आपके घर में प्लांट है, तो आप उसका पूरा एक लीफ को साइड से कट करके उसका गूदा निकाल लीजिए, अंदर का पल्प, और उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के इस तरीके से ले लीजिए। फिर हमें इसमें ऐड करना है दिस वन, सरसों का तेल। जी हाँ, इसमें हमें सरसों का तेल है, आपको यही यूज़ करना, और कोई तेल आप नहीं ले सकते इसमें, नारियल का तेल भी सही रहेगा। बट ये जो मिक्सचर जो मैं आपके लिए रेमेडी लेकर के आई हूँ ना फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो आप मैं अभी आपको स्मॉल क्वान्टिटी में बना के दिखा रही हूँ, आप जो है अपने हेयर अगर आप लंबे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए उसको। जैसे मैं इसमें 3 to 4 स्पून ये कड़वा तेल यानी सरसों का तेल ले रही हूँ। इसको अच्छे से हमें लेकर के आपस में बीट कर लेना है। इससे हमें ऑयलिंग करनी है फ्रेंड, वीक में 2 से 3 बार आपको यूज़ करना है इसे, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ, जिसको हम तीनों को इकट्ठा डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। ये मेरा ये जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो विटामिन ई कैप्सूल, मैं 400 mg की ये विटामिन ई की कैप्सूल है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 2 डाल दीजिए, अगर छोटे हैं तो आप इसमें डालेंगे सिर्फ 1। तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे और इसके अंदर का सारा जेल आप इस ऑयल में डाल देंगे। ओके, इस तरह से हमने डाला और फिर इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आप ऐसे बीट कर लेते तो वेल एंड गुड, अब अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती, घर का प्लांट है तो वो जल्दी नहीं होता, तो आप मिक्सर ग्राइंडर में करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। देख रही, इस तरीके से ये पेस्ट आपको मिल जाएगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इस ऑयलिंग को अप्लाई करते हैं अपने बालों में 2 से 3 बार, आपको 3 बार अल्टरनेट डेज पे इसको ज़रूर यूज़ करना है। आपको बालों की जड़ों में इसको अच्छे से लगाना है। ओके, बालों की जड़ों में आप इसको अच्छे से लगाएंगे, साथ ही साथ फिर जब जड़ में अच्छे से लगाने के बाद, इसको हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में बिल्कुल जेंटल मसाज करने के बाद, पूरी लेंथ में लगाने के बाद, नीचे बाल की टिप को, छोर को भूल मत जाइएगा, उस पर भी ज़रूर अप्लाई करिएगा। और इसको लगाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपको अपने बालों में इस ऑयल को ज़रूर रखना है। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी दिस वन, जो मैंने एक वीडियो में आपको घर का बना हुआ DIY हर्बल शैम्पू बताया था, आप उसी को ले लीजिए, वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा इस ऑयलिंग के बाद। तो वो मैंने आपको बताया था रीठा आंवला शिकाकाई को मिक्स करके। जी हाँ, ये घर का बना हुआ पूरा पेस्ट है, सिंपल आपको करना है। अगर आप फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आप इसको एक बार बना लोगे तो ये आपका आराम से महीने भर चल जाएगा। और अगर आप शादी करके कहीं जा भी रहे हो, तो उसको बॉटल में भर करके मेरे साथ ज़रूर आप ले जाइएगा, और ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है ये, बहुत इजीली चला जाएगा। इसमें आपको क्या लेना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वान्टिटी बताती हूँ, 50 ग्राम्स आपने ले लिया आंवला, खड़ा आंवला लीजिए, 50 ग्राम्स आपने शिकाकाई खड़ा ले लिया, और 50 ग्राम से आपको रीठा लेना है। तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर के आप मीन्स एक बड़े से बर्तन में पानी लेकर के, इसका मतलब दुगना पानी आपको लेना है,
पाँच से छः ग्लास आप उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें वो सारी इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे आपको बिल्कुल इसको पूरा अच्छे से बॉईल करना है, जब तक कि बिल्कुल टेंडर ना हो जाए, बिल्कुल मुलायम ना हो जाए। फिर उसके बाद हाथों से आप उसको अच्छे से मसल लीजिए और किसी कपड़े से स्ट्रेन करके आप इस तरह का ये निकाल सकते हैं पल्प, रीठा आंवला शिका काई का। और फिर आपको क्या करना है, इसमें या तो आप मुल्तानी मिट्टी, वाइट वाली जो आती है, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेके उसमें बीट करके अच्छे से अपने बालों में लगाइए सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स के बाद लगाने के बाद इसको वॉश कर दीजिए। अगर मुल्तानी मिट्टी आपके पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, तो आप बेसन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों को, इस ऑयल को और इस शैम्पू को यूज़ करिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ फ्रेंड कि अगर आप इनका रेगुलर यूज़ करते हैं, इस शैम्पू का और इस ऑयलिंग का, हफ्ते में 3 बार ये ऑयलिंग करेंगे आप और उसके बाद आप इस शैम्पू को यूज़ करेंगे, तो आप मेरा ट्रस्ट कीजिए फ्रेंड्स, आपके बाल की से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फ्रिजीनेस है, या अगर आपके बाल पतले हैं उसमें बाउंस नहीं है तो उसमें बाउंस आ जाएगा, प्लस आपके बाल हल्के से स्ट्रेट लुक में आ जाएंगे इसका यूज़ करने पर। जी हाँ, एक अलग सा टेक्स्चर आएगा, कुदरती एक लेयर उसके ऊपर आ जाएगी और इतना शाइनी हो जाएगा, इतनी शाइनिंग उसमें आ जाएगी, स्मूथ हो जाएगा कि आप खुद अपने बालों से हाथ नहीं हटा पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। आप इसको ज़रूर, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है, रेगुलर यूज़ करना है, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया तो इफेक्ट नहीं आया तो छोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं, इसको कंटिन्यूसली आपको यूज़ करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसको यूज़ करिए और इसका आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दूसरों को खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। बी ब्यूटीफुल, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।